आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिनारियो में जब इंसान अपनी जिंदगी बिताता है तो कई सारे ऐसे मसले मसाइल सामने आते हैं, या अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई होती हैं वो आज यानी कि प्रेजेंट में जो है कई तरीके से सामने आती हैं और लोगों के लिए हर्डल्स क्रिएट करती है। फिर चाहे वो गलतियां पॉलिटिक्स से जुड़ी हो, मजहब से जुड़ी हो या किसी और मकसद से जुड़ी हो। आज अभी करंटली जिस जगह पे मैं हूँ ये अवंतीपुर का इलाका है और पुलवामा से ज्यादा दूर भी नहीं है। और अब जब पुलवामा की बात होती है तो अक्सर पुलवामा जो है एक नेगेटिव लाइट में आ गया था, क्योंकि पुलवामा अटैक जो है उस पे जब बात होती है तो पुलवामा के लोग जो है उस हादसे से खुश नहीं है, क्योंकि काफी शैडो में नेगेटिव वाइब्स जो है इस तरीके से इसको इंडियन मीडिया ने दिखाया है। जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो हमें ये पता चला कि वो कम्युनल हार्मनी में कितना यकीन रखते हैं, और आज उसी कम्युनल हार्मनी को फरोग देने के लिए अवंतीपुरा में एक पहला ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हर मजहब से जुड़े हुए लोगों को दावत दी गई, और उसमें मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को भी बुलाया गया। सारे एक ही टेबल पे बैठे और सब ने अपने अपने तासुरात, अपने अपने कंसर्न्स जो है वो शेयर किए और ये बात की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को एक बेहतर से बेहतरीन जगह बनाई जाए और किस तरह से यहाँ को जो नौजवान हैं उनमें कम्युनल हार्मनी का जो बिलीफ है और जो डायलॉग है उसको किस तरह से फर्दर जो है उनमें उनके जहन में लाया जाए। क्या कुछ हुआ इस कॉन्फ्रेंस में वो हम आगे इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। दुनिया में अदल इंसाफ, दुनिया में अमन का क्या, हमारे घर में अमन का क्या, हमारे मोहल्ले में अमन का क्या, हमारे मुल्क में और फिर दुनिया में पूरी इंसानियत में अमन का क्या, ये इंटरफेस हार्मनी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इकट्ठी कर सकते। सिर्फ एक बात है कि एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे को ऐसी नजर से देखें कि ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करते। डॉक्टर जोगिंदर सिंह शाह बुनियादी तौर में उत्साह रहा कार्यों में एक लंबी उम्र में, और मैं आपको शायद अचंभा भी होगा आपकी इस मजलिस में सबसे ज्यादा अगर कोई उम्र सीधा है तो मैं हूँ। मैं 87 साल की उम्र में था। हर किसी मजहब से लोग आए, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, आपने भी बात की, तो क्या लगता है कि खासकर कश्मीर जैसी जगह पे इन कॉन्फ्रेंसेस का होना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात है जे आपसी भाईचारा, जे सबसे बहुत बड़ा एक इंसानियत का जे सबसे बड़ा बड़ी पहली पौड़ी है। जैसे हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं, जैसे हम अपने मकान के ऊपर छत में जाना होता है तो उस पर हम पहली पौड़ी चढ़ेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। जे 2023 में गवर्नर साहब ने यहाँ पूरे हिंदुस्तान से मौलाना और जो हमारे पंडित थे, आपने याद होगा आपको ये संथूर में SKICC में ये प्रोग्राम रखा था, तो ये बहुत एक सुनहरी मौका है। और यहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो चुनी हुई लोगों ने चुनी हुई गवर्नमेंट जो है, उनको भी ये चाहिए कि ऐसे सेमिनार जो बड़े पैमाने पर वो जम्मू में भी करवाएं, लद्दाख में भी और ये कश्मीर में भी, इसकी वजह से हम एक दूसरे का दुख दर्द और एक दूसरे के मज़हब के बारे में बात करते हैं। और ख़ासकर नौजवान जो हैं उनको, हमारे कुछ जो लोग हैं, हम जैसे आज हमारे जिन लोगों को इल्म कम है, हम लोगों को एक दूसरे के मज़हब का, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा चलते हैं जी। जैसे आप सोशल मीडिया पर हम कोई बात करते हैं, उधर जी हिंदू को ये कर दिया है, उधर जी उसको ये कर दिया है। देखो बात यह है कि हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ बात कही है, 100 बात की एक बात, कि कर्म ही धर्म है। जब आप कर्म अच्छा करोगे, जैसे हम अपने पंडित को इज्जत देते हैं, उसी तरह हमें दूसरे मजहब के मौलाना जो होते हैं, पादरी जो हैं, जहाँ हमारे गुरु हैं, उनको देखना चाहिए।
आगा मसरूर अंसारी जी अभी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो इंटरफेथ डायलॉग पे ये कॉन्फ्रेंस हुई खासकर कश्मीर में, कितना इम्पोर्टेंट है ये कि एक ही टेबल पे सारे रिलीजन से जुड़े हुए जो लोग हैं आए, अपनी जो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका जो ओपिनियन है उसको शेयर करें, स्पेशली कश्मीर को लेके जिस तरह से हालात है या जिस तरह के नैरेटिव्स बाहर जाते हैं, तो इस सिनेरियो में कितना ज़रूरी समझते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस का होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरफेथ हारमोनी की तो हमें पहले से ही अशद ज़रूरत थी, लेकिन आजकल के ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस कॉन्फ्लिक्ट एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वही इंटरफेथ हारमोनी की है। तो इंटरफेथ हारमोनी जो बैनुल मसाले की हमांगी जो है, ये तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक हम इंटरफेथ डायलॉग ना करें। तो आज जो यहाँ अवंतीपोरा में ये कोशिश की गई, ये इसीलिए है कि इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका सबसे मेरे ख्याल से इसका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मज़ाहिब को जानें और उसके असली मनाबे माखज, उसके जो असली जो उनकी तालीमात है उनको उनकी किताबों से, उनके उलमा से समझें। हमको हिंदुज़म समझना है तो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ना समझें, हम हिंदुज़म के उलमा से समझें, उनके पृष्ठ से समझें, उनके गुरुओं से समझें। सिखिज़म को समझना है, क्रिश्चियनिटी को समझना है तो उनसे समझें, नहीं कि जो सोशल मीडिया कहता है या जो सुनी सुनाई बातें हैं। तो हमने भी पेश किया यही कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम भी इंटरफेथ डायलॉग का हामी रहा है पहले से ही। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम इंटरफेथ डायलॉग देखते हैं। जो आप देखिए, जो इस वक्त दुनिया के हालात है, जो पूरे इस वक्त सिस्टम जो चल रहा है, उस हिसाब से तो आज के जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि कश्मीर की धरती पे ऐसा जो इन्होंने फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस करवाई, ऑर्गेनाइज करवाई है, उनके लिए इनको बहुत मुबारकबाद। और ये होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, कम्युनल हारमोनी के, इंटरफेथ हारमोनी के होने चाहिए, जो अपने ब्रिज बनाने हैं एक दूसरे के साथ, वो होने चाहिए जी। और इट वॉज़ बेनिफिशियल आई थिंक जी। अब कश्मीर को लेके अलग अलग तरह के नैरेटिव्स बाहर जाते हैं, लेकिन एज अ कॉमन कश्मीरी, जिस तरह से यहाँ पे कश्मीरी एक साथ रहते हैं कि अगर हिंदूज में किसी की डेथ होती है तो कश्मीरी मुस्लिम सामने आता है या कश्मीरी सिख सामने आता है, कहीं पे आकर इंसिडेंट होता है तो रिलीफ जो है विदाउट रिलीजन को देख के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इन चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ फर्दर किया जा सकता है? देखिए, जितने हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में मिलवर्तन करेंगे, आपस में मिलाप रखेंगे, ये जो गैप्स है ना, ये कम होती जाएंगी। देखिए, अगर मैं सिखिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो सिखिज़्म जो है वो ज़्यादा फोकस जो है ना जी, वो सेवा पे करती है। सेवा के साथ क्या है, हम इस खलकत के साथ, हम इस दुनिया के साथ जुड़ते हैं। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पर सेवा है वहाँ पर सिमरन भी होना चाहिए, वहाँ पर इबादत भी होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि ये ऐसे प्रोग्राम हमें करने चाहिए। वी हैव बीन जॉइंड बाय मुंतज़िर मेहदी। मुंतज़िर, आपसे जानना चाहूँगी, अभी जब आपने अंदर अपनी बात रखी तो आपने ये भी कहा कि जितना भी हेट स्पीच अभी चल रहा है या जो कुछ भी कंट्री में चल रहा है लोगों के बीच में, तो आपका एक स्टेटमेंट था जिसमें यू सेड कि ये जो लड़ाई है ये पॉलिटिकल है, लेकिन जामा इसको मजहबी पहनाया जाता है। तो कश्मीर में जो हमारी वैली है, तो ऑफ कोर्स मतलब नेशनल लेवल पे कई बातें की जाती है कश्मीरी पंडित्स को लेके, मुस्लिम्स को लेके, 90s में ये हुआ वो हुआ, तो उस गैप को किस तरह से आप समझते हैं ब्रिज किया जा सकता है, कैसे फुलफिल किया जा सकता है? देखिए, ये तो तल्ख हकीकत है कि पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ पिच किया जाता है। यहाँ पर अब रोल यहाँ की सिविल सोसाइटी का बनता है, सोसाइटी में जिनका इन्फ्लुएंस है या हमारे जो रिलीजियस क्लर्जी है उनका स्कोप बनता है कि वो सब को साथ लेके बैठे और एक डायलॉग, एक कन्वर्सेशन, जो क्योंकि हम प्रॉब्लम ये है कि हम एंगेज होना नहीं चाहते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं होते हैं तो तीसरा उस स्पेस को, फिर उस वैक्यूम को फिल करता है, फिर अपने एजेंडा के हिसाब से उस स्पेस को यूटिलाइज करता है। तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त एट द मोमेंट यही कोशिश होनी चाहिए कि सारे क्लर्जीज जो हैं वो एक साथ टेबल पर आएँ, बैठें और डायलॉग करें। जो डिफ्रेंसेज हैं रिलीजियस में, मेरे ख्याल से
प्रेयर पर डिफरेंस हो सकता है, मगर एट द एंड सारे रिलीजियस यही कहते हैं कि वी हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी, दैट्स द प्राइमरी गोल। तो उसी को हम कॉमन ग्राउंड बना के इस वक्त चलना चाहिए, ताकि जो चाहे पॉलिटिकली वेपनाइज किया जाता है चीज़ों को, या किसी और नोटोरियस एंड को अचीव करने के लिए रिलीजियस को वेपनाइज किया जाता है। आप देखिए इंस्टीट्यूशनली, रिलीजियस की बात नहीं, आपका आज देखिए खुसूसन 2014 ऑनवर्ड्स आपका आर्ट भी वेपनाइज हुआ है, आपकी जो एंटरटेनमेंट है, आपकी जो फिल्म्स आती हैं वो भी इस्लामिया फोबियो प्रमोट करती हैं, या दीगर चीज़ें, या एकेडमिक्स में भी आप देखिए कैसे सिलेबस में भी छेड़खानी की जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो वेपनाइज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी को, जिनका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, और खुसूसन क्लर्जी को इस वक्त आना चाहिए और बैठना चाहिए, क्योंकि यही एक लेजिटिमेट स्पेस है जो सोसाइटी को बचा सके। मेहजुबीन जी अभी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूँगी, ऑल दो तरह तरह के इवेंट्स आप कराते हैं, लेकिन ये जो इवेंट है स्पेशल है, क्योंकि आपने हर तरह के लोगों को टेबल पे लाया जिन्होंने अपने ओपिनियंस रखे, थोड़ा इस इवेंट के हाईलाइट्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। वक्त की ज़रूरत है, ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है, जिसमें हर तबके से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे लगता है कि हर एक तबके से यहाँ पर हर मज़हब के बारे में बात हो रही है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारी सकाफती, जो हमारी मिरास है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे अलग हो रहा, हमसे छूट रहा है। तो हमें वक्त की ज़रूरत और वक्त की पुकार भी यही थी कि हम ऐसा कोई इनिशिएटिव लें। तो मैंने और डॉक्टर तवसीफ पानी साहब ने हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जिसमें तरह तरह के सारे स्कॉलर भी होंगे, सारे मजहबों से वाबस्ता लोग भी होंगे, जिस पर हम डायलॉग करेंगे, देखेंगे कि लोगों के मन में क्या है। क्योंकि अगर इतनी हमारे बीच इतनी खलिश है, क्यों है, जब एक ही मजहब, जब एक ही धरती है, एक ही आसमान है, एक ही खून है, तो क्यों हम एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तवसीफ वानी हमारे साथ हैं, ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, और आज का जो इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ, उस सक्सेस के पीछे ये है। आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आपने इवेंट कराया, आपको क्यों लगा कि इम्पॉर्टेंट है कश्मीर में इस इवेंट का होना, और कौन लोग थे जिन्होंने इसमें शिरकत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना, बिल्डिंग द ब्रिजेस, कि हम इस कल्चर को, जो नंदरिश का कल्चर था, ललदत का कश्मीर था, महजूर का कल्चर था, इसको हम एस्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि क्या हुआ पीछे, हिस्ट्री तो उसको रहने दो, लेकिन अब हम इस कश्मीर को एक ऐसा कश्मीर बनाना चाहते हैं जहाँ पर हर किसी मजहब को अपने राइट्स हैं, सिखिज़्म हो, जैनिज़्म हो, क्रिश्चनिटी हो, बाकी जो मजाहब हैं। तो मुसलमान का ये वतीरा रहा है कि हमेशा मुसलमानों ने इन मजाहिब का प्रोटेक्शन किया है, इन मजाहिब की हिफाजत की जाए। अगर गुरुद्वारा की हम बात करें, मुसलमान वो तबका है जिन्होंने पहले इस गुरुद्वारा को महफूज किया। तो हम समझते हैं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है, हमने डॉक्टर जितेंद्र जान सिंह को बुलाया, फ्रॉम गुरु नानक बेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा सत्यपाल फ्राम हिंदू टेम्पल लाल चौक से हैं, हरपाल सिंह फ्राम ताल, कश्मीर के कोने कोने से पॉलिटिशियन आए थे, ह्यूमन राइट के अलमबरदार आए थे, स्कॉलर, जर्नलिस्ट, लॉयर, ब्यूरोक्रेट्स, हमने उनका एक प्लेट, एक टेबल पे हमने जमा करने की कोशिश की। हम बैठे, हम सुने, हम आगे बढ़े। जो न्यू जनरेशन यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, वो सुने कि कश्मीर अमन का गहवारा रहा था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का गहवारा रहा था। इस कॉन्फ्रेंस का लुभ लुभाव यह है, हम आगे बढ़े इस समाज में। इस समाज में हिंदू भी हैं, इस समाज में सिख भी हैं, इस समाज में मुसलमान भी हैं, हमको इकट्ठे इस मुल्क को आगे ले जाना है, इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस की। शुक्रिया।